वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों से जुड़े एक अहम मामले में इंदौर पुलिस की बड़ी अनदेखी उजागर हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2009 के तहत सभी पुलिस थानों में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी सभी जानकारियों को भी दर्ज किया जाता है। लेकिन शहर के 28 थानों में इस अधिनियम के तहत किसी भी तरह की जानकारी दर्ज नहीं की गई है। इंदौर उच्च न्यायालय में लगी जनहित याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए जिम्मेदारों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 28 थाना प्रभारी के अलावा गृह सचिव, डीजीपी, एसपी, पूर्व और पश्चिम को नोटिस जारी किया है और 8 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक थाना अधिकारी हर महीने की 10 तारीख को जितने भी अपराध हुए हैं उन अपराधों की एक रिपोर्ट एसपी को भेजेगा और एसपी हर महीने की 20 तारीख को डीजीपी और कलेक्टर को भेजेगा और डीजीपी उसके अंतर्गत हर महीने की हर 3 माह के अंतर्गत उसकी रिपोर्ट शासन को भेजेगा। लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ की जनहित याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट में डिविजनल बेंच के ऑनरेबल जस्टिस श्री पीके जायसवाल जी और जस्टिस जेके जैन जी ने उक्त याचिकाओं को सुनवाई करते हुए इसके अंतर्गत इंदौर के 28 थानों के साथ में ही प्रमुख सचिव महोदय गृह मंत्रालय, डीजीपी भोपाल, कलेक्टर इंदौर, साथ में ही एसपी पूर्वी और पश्चिम क्षेत्र के साथ में इंदौर के 28 थानों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। दरअसल आरटीआई से मिली जानकारी में ये खुलासा हुआ है कि वरिष्ठ नागरिकों को लेकर इंदौर के 28 थानों में कोई रिकॉर्ड रजिस्टर ही मौजूद नहीं है। ऐसे में अब पुलिस अधिकारियों को इस मामले में कोर्ट को भी जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।